हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर वन फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 12 पार्ट 1 मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए डिफाइन करेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देखेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की, एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की। तो ये जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही लेंदी हो रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही थी साइज़ में, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे कि आपको ईजी हो लर्न करने में, आप चीज़ों को अच्छे से याद रख पाएँ। तो ये वीडियो आपको 3 पार्ट्स में मिलेगी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जो इसके बाद ही हम बहुत जल्दी ही इसके बाद उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये पार्ट 1 है उस वीडियो का। देखिए देख लेते हैं क्या होते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म जो है ये रेफर की जाती है टू द लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू और मोर कंपोनेंट्स इन वन फेज सिस्टम एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ट्रू सॉल्यूशन। तो देखिए ऐसे लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं जिसमें दो या उससे ज़्यादा कॉम्पोनेंट जो है वो एक सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम फेज में मतलब वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, वो सिंगल फेज में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की लिक्विड प्रिपरेशन जो होती है उनको हम कहते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। देखिए ये सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट होता है, जब ये आपस में दोनों मिसेबल हो जाते हैं तो एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, जो कि देखिए ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। इस तरह के फॉर्म्स होते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन जो है ये फॉर्म करती है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन? एक तरह का क्लियर होमोजेनस मिक्सचर होता है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग सॉल्यूट इन सुटेबल सॉल्वेंट। में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके बनाया जाता है ट्रू सॉल्यूशन। देन देखिए पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू फिल्टर पेपर एंड आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। देखिए ये जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं इनको हम फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर एड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो पूरी तरह से आपस में मिसेबल होते हैं। एंड ऑल्सो क्या होता है कि इनके जो पार्टिकल हैं उनको हम नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते हैं। देन देखिए क्या है, द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वान्टिटीज नोन एज सॉल्वेंट। तो देखिए ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसमें जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसमें जैसे वाटर प्रेजेंट है, तो जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट्स रेफर करते हैं। सो नेक्स्ट देखिए देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो क्या क्या एडवांटेज होती हैं इस तरह की डोसेज फॉर्म की? तो देखिए सबसे पहला है कि इट इज़ ईजियर टू स्वॉलो, देयरफॉर ईजियर फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल्स। तो देखिए इसमें किसी तरह का फेस प्रेजेंट नहीं होता है, एक सिंगल फेस में मेडिसिन हमारी प्रेजेंट होती है, तो उसको स्वॉलो करना ईजी होता है। तो ये चिल्ड्रन और ओल्ड एज पीपल जो हैं वो इसको आराम से ले सकते हैं। देन इसकी एडवांटेज होती है कि फैसिलिटेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फास्टर देन सॉलिड डोसेज फॉर्म एज द ड्रग इज़ ऑलरेडी इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो क्योंकि हमने देखा है कि ड्रग जो है वो ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्टर होगा अगर हम सॉलिड डोसेज फॉर्म के कंपेरिजन में देखें तब। देन इट इज़ होमोजीनस, देयरफॉर गिव यूनिफॉर्म डोज देन सस्पेंशन और इमल्शन विच नीड्स शेकिंग। तो बिकॉज ये एक तरह का होमोजीनस फेज में प्रेजेंट होती है, ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो जो डोज इससे दी जाती है वो भी उसके चांसेस होते हैं कि वो यूनिफॉर्म डोज जो है वो पेशेंट के द्वारा ली जाए, क्योंकि जैसे हम देखते हैं सस्पेंशन और इमल्शन के केस में कि उस पर डायरेक्शन लिखा होता है कि हमें बॉटल को शेक करना है, शेकिंग की ज़रूरत होती है बिकॉज इसके जो पार्टिकल हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं जो हमारी बॉटल होती है या जो हमारा कंटेनर जिसमें इसको दिया जाता है। बट इसके केस में देखिए ये जो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है इसके केस में ऐसे होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो सेपरेट नहीं हो सकते फिल्टर एड के द्वारा, वो नेकेड आइज से देखे भी नहीं जा सकते। तो यूनिफॉर्म डोज के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं इन मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के केस में अगर हम देखें। देन सिंपल एंड फास्ट टू फॉर्मुलेट होती है ये। देन इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई वेरियस रूट, तो अलग अलग रूट से इनको दिया जा सकता है, जैसे ओरल रूट, पैरेंट्रल रूट, एनिमा फॉर रेक्टल यूज, ओटिक ईयर रूट जो होता है वो, देन नेजल रूट, ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन, ये सारी ही अभी हम अपने आने वाले स्लाइड्स पे देखेंगे।
देखिए कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की। तो देखिए सबसे पहले डिसएडवांटेज है कि दे आर बल्की सो डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। इस तरह के प्रिपरेशन जो होते हैं देखिए बल्की होते हैं बिकॉज वाटर का यूज़ किया जाता है इसमें सॉल्वेंट की तरह मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये बल्की प्रिपरेशन हो जाती हैं तो ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना इसको काफ़ी डिफिकल्ट होता है इस तरह के प्रिपरेशन को। देन देखिए वाटर इज़ कॉमनली यूज एज अ व्हीकल, तो वाटर का यूज़ किया जाता है, तो वाटर जो है वो प्रोन टू माइक्रोबियल ग्रोथ होता है बिकॉज एज अ सॉल्वेंट हम वाटर यूज़ कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि जो हमारी प्रिपरेशन है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए, तो क्या होता है कि एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव इज नीडेड, तो इसीलिए जो प्रिपरेशन है उनमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया जाता है। देन देखिए व्हेन एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट इट मे अंडरगो हाइड्रोलिसिस सो नीड टू स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेस। तो देखिए ये भी एक तरह की इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन दिया जाता है, इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस तरह की डोसेज फॉर्म जो है उसको स्टोर करना होता है कूल एंड डार्क प्लेस में बिकॉज वो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में आने से हाइड्रोलिसिस होने के चांस होता है इस तरह के प्रिपरेशन में। देन देखिए ड्रग स्टेबिलिटी रिड्यूस बाय हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन सो दे हैव शॉर्टर एक्सपायरी डेट देन सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो देखिए मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म जो होती हैं इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है बिकॉज इनमें बहुत चांसेस होते हैं हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन होने के इस तरह की प्रिपरेशन के, तो अगर हम सॉलिड डोसेज फॉर्म के कंपेरिजन में देखें तो इनका शॉर्ट एक्सपायरी डेट होता है। देन देखिए अदर मेजर साइंस ऑफ ड्रग इंस्टेबिलिटी होती है कलर चेंज हो जाते हैं इस तरह के प्रिपरेशन में, प्रिसिपिटेशन कभी कभार देखी जा सकती है, माइक्रोबियल ग्रोथ देखी जा सकती है। देखिए इस तरह की डिसएडवांटेज होती है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो अगर हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो दो तरह के होते हैं, देखिए लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिक्विड मेंट फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम देखिए लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसमें होते हैं सीरप्स होते हैं देखिए, देन एलिक्सर्स होते हैं, लिंटस होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं एंड ड्रॉचेस होते हैं। तो ये था लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ना देख लेते हैं देखिए लिक्विड मेंट फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या होते हैं देखिए ऐसे प्रिपरेशन जो कि अप्लाई की जाती है टू द स्किन पे, और सेकंड होते हैं देखिए ऐसे प्रिपरेशन जो कि माउथ में यूज़ की जाती है यूज्ड इन माउथ, एंड देन थर्ड होती है कि ऐसे प्रिपरेशन जो कि इंस्टिल की जाती है इनटू बॉडी कैविटीज़। अब देखिए अप्लाई टू द स्किन में कौन कौन से प्रिपरेशन आती हैं, लोशन आते हैं, लिनिमेंट्स आते हैं एंड कोलाइडेंस आते हैं। देन यूज्ड इन माउथ में कौन कौन से होते हैं देखिए गार्गल्स आते हैं, माउथ वॉशेज आते हैं, थ्रोट पेंट्स आते हैं एंड थ्रोट स्प्रेज आते हैं। देन इंस्टेड इन बॉडी कैविटीज़ में कौन कौन से आते हैं देखिए प्रिपरेशन डॉचेज आते हैं, आई ड्रॉप्स आती हैं, ईयर ड्रॉप आती हैं, नीजल ड्रॉप्स आती हैं एंड एनिमाज आते हैं। तो इन सभी के बारे में अभी हम अपने आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 12 पार्ट 2, जैसे हमने बताया था मोनोफेजिक लिक्विड्स फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, उसको आप देख पाएँ। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।